नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडियन न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। हमारी पार्टी एट द रेट एनसीपी स्पीक्स बजट घोषणा का स्वागत करती है। राजस्थान बजट 2020 से 2021 की घोषणा। शिक्षा, सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। स्कूलों में संकाय खोले जाने पर 25 करोड़ रुपए का खर्च। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, फिट राजस्थान की मुहिम चलाई जाएगी। किसान, कृषि में और ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावनाएं। 25,000 नई सोलर पंप लगाए जाएंगे। 2,00,000 टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान आर्थिक पिछड़ा बोर्ड का गठन। पर्यटन विकास कोष को 100 करोड़ रुपए की राशि। आज जो बजट पेश हो रहा है इसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने एक तरह से लोक लुभावन बजट ही मैं इसको कहूंगा, जिसमें गांव के गरीब किसान और मजदूर विद्यार्थी, मैं कहूंगा सभी वर्ग के लिए विशेष तौर से ध्यान रखा गया। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। स्कूलों में संकाय खोले जाने पर 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में फिट राजस्थान की मुहिम चलाई जाएगी। और किसान भाइयों के लिए, जो विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का स्नेह है किसानों के प्रति, उनके लिए कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावना है। इस बजट में जो घोषणा की उससे अपार संभावना बढ़ेगी। 25,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा के माध्यम से, ताकि किसान भाइयों की बिजली कटौती और बिजली की सीजत, इस तरह से जो बिजली में आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, कंपनियों, जो बीजेपी वालों ने पहले कंपनियों का निजीकरण कर दिया था, इस हिसाब से उनके ऊपर भी एक लगाम लगाने का काम हो रहा है। सौर ऊर्जा जब पंप लगेंगे तो किसान भाइयों की बिजली की खपत स्वतः कम हो जाएगी। 2,00,000 टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की घोषणा इस बजट में की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।